भाई हमारा मित्र है। अरे तो कंफ्यूजन जाने से हेलो हैप्पी चारों चारों। तो फिलहाल भाई ये चारों प्राणी यहाँ से अंदर जाएंगे, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। यहाँ तू कहाँ चढ़ गया? अरे तू कहाँ चढ़ रहा है, देखो वो कहाँ चढ़ रहा है। चलो भाई अब बाय कहने का टाइम आया है, अब बाय बोलते हैं फैमिली को, फिर आगे निकलते हैं घर की तरफ। होगी सही रोशनी में आ जाऊँ मैं एक बार। हाँ यहाँ ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज हम जा रहे हैं मम्मी पापा को छोड़ने। तो मम्मी ये लास्ट टाइम गेट पे लॉक लगा रही है, लॉक नहीं दिखाएंगे हमारा नंबर क्या है, बस लॉक लगा रही है माता जी। और पापा हाय कर दो, लो कर दो हेलो। तो भाई मम्मी पापा हो गए रेडी, अब हम निकले हैं एयरपोर्ट के लिए। और रात हो रही है, रात के 10 बज गए। हम जब इनको लेके आए थे तब भी रात को लेके आए थे, लगा दिया और जा रहे हैं अभी रात। हाँ आए थे तब भी रात है। तो भाई ये रही मेरी माता जी, रेडी है गोइंग फ्लाई टू इंडिया। और ये सब और सरावत जी हो रहे हैं आगे, फिर आएंगे अगले साल फिर चक्कर मारेंगे। भाई लंबा वीजा है इन लोगों का, अब ये NRI होने वाले हैं, आना जाना इनका लगा रहेगा। आजा ऐसे, अब आ रहे हैं, नहीं इसमें तो भूत लग रहे हैं। इधर आ जाओ। तो पापा कैसा रहा न्यूजीलैंड का आपका बहुत सफर? बढ़िया रहा, मजे आए। पता चला 4 महीने कैसे कट गए? पता ही नहीं लगा। तो ये सारा क्रेडिट किसको दोगे आप? ज्योति को। ये कहाँ से लोग ये गिराज कहाँ से खोला था आपने? उसने खोला। अच्छा भाई मैं भी बोलू सीधा अंदर बढ़ गई बाहर आ गई। भाई मम्मी सर मम्मी अपना बताइए जो भाई कैसा रहा आपका 4 महीने का सफर? बहुत अच्छा रहा भाई, दिल में तो दर्द होता है जा रहे हैं, लेकिन एक छोटा हमारा वहाँ पे भी है ना, वो भी संभालने जरूरी है मम्मी को। फिर आएंगे ये फिर से इन्हीं सड़कों पे घुमाएंगे इनको। तो अभी पिताजी को और माता जी को व्यान जी के पास बिठा रहे हैं भाई, वो अपने दादू दादी से बातें कर लेगा उनके साथ। हाँ एक उस तरफ बैठ जाएगा उस तरफ, और ये हम रेडी है जाने के लिए। अरे ये रे आज गाड़ी में, अरे बैठ के गाड़ी में ऐसे। तो ये मिस्टर शरावत, अरे विहान हेलो कर दो। हेलो भाई। चलो भाई लेट्स गो, लेट्स गो विहान। नहीं समझ में नहीं आ रहा भाई हमारा मित्र है। अरे तो कंफ्यूजन जाने से एचपी है क्यों है? हेलो एपी, हेलो एपी। तो भाई अभी अंधेरे के कारण लाइट्स आप इधर के ना रोड पर रखी थी शाम की, तेरा नहीं दिल लगने का मम्मी पापा के साथ, वो मतलब मिस्टर गुलिया और उनकी मम्मी भी। तो बस अभी यहाँ पहुँचे हैं, तो अब साथ में ही जाएंगे मम्मी पापा की, इन्हीं के साथ फ्लाइट है ना, बस वो निकला है। आगे आगे मिल बस वही मिलेंगे, वही राम राम कर लियो, वहाँ कर लियो पैर भी छू लियो आराम से, पूरे प्लेन में पैर ही छूता जाइयो तू। चलो भाई। तो भाई फिलहाल ऑकलैंड के एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं, और ये अभी रात का सफर, रात्रि में निकले हैं। तो रात में तो अभी कुछ आपको रोड पे भी नहीं दिखा सकती, बस रोड पे चल रहे हैं ये दिखा सकती हूँ मैं। तब सीधा ऑकलैंड एयरपोर्ट पे चल के मिलते हैं फिर से। पहुंच गए हैं ऑकलैंड एयरपोर्ट पे, बस अभी पार्किंग लगानी है, और पार्किंग के बाद सीधा ऑकलैंड एयरपोर्ट के अंदर। तो वो इधर ही डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक टर्मिनल इधर है, हम इंटरनेशनल की तरफ जाएंगे अभी। ये देखो इधर ये डोमेस्टिक है इस तरफ, और इधर ये इधर से घूम के अब इंटरनेशनल की तरफ जाएंगे। सोता है इनका,
तो भाई काम चल रहा है फिलहाल यूक्रेन एयरपोर्ट पे ना, इसलिए थोड़ा सा हर जगह से ब्लॉक ही कर रखा है। तो फिलहाल हम आ चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं, अब निकलते हैं बाहर। तो अभी फिलहाल सराव जी पार्किंग में लगा के आएंगे, इतने हम उतरते हैं। वो वाली मिली है उसी में, हाँ उसे मिला दिया, यहाँ पे रोक ले। तो भाई सराव जी हमें छोड़ के यहीं से जाएंगे, मैं भी इंडिया जा रही हूँ इनके साथ ही। बाय बाय बाय। ले भाई भी आन का भी है दादा का भी, आओ भाई आओ हमारे साथ ऑनलाइन एयरपोर्ट। ये भी आन मेरे कौन देख रहा है, क्या बात है यान जी, यान दादू के साथ देखो, दादू को बाय कर दो बेटा, फोटो कर दूँ तेरा। ये मैं और मेरी मम्मी, यो मैं भी जा रही हूँ इनके साथ इंडिया, मेरे को लेके जा रहे हैं। पापा ने एट द टाइम टिकट बुक कराई है, तो अभी चल ज्योति को भी लेके जाना है हमें। फिर कोविड की तरह रह जाओगे, फिर तुम बोलेगी भगवान इसका पहुँचा दे। तो भाई फिलहाल अभी जा रहे हैं अपनी एयरलाइन की तरफ, प्रस्थान कर रहे हैं हम। और ऑकलैंड का देखो एयरपोर्ट दिखाती हूँ आपको मैं, ये सारी सेम एज इंडिया ना, कि भाई सारे एयरपोर्ट मतलब सारी फ्लाइटों के काउंटर लगे पड़े हैं। कुछ अभी स्टार्ट हो गए हैं, कुछ अभी नहीं, लेकिन हाँ इंडिया जितना तो बिजी है नहीं, है बड़ा क्वाइट सा। तो फिलहाल माता जी और पिताजी की एयरलाइन है मलेशिया एयरलाइन, और उसका चेक इन स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हमारा मित्र रह गया है, वो जो मित्र जो हमें वहाँ मिला था, तो उनकी माता जी और वो खुद जा रहे हैं इंडिया। तो हम सोच रहे हैं साथ में चेक इन करा दें तो इजी रहेगा, बोलते बतलाते चले जाएंगे। तो ये देखो ये जो लगे हुए हैं ना, ये सारे यहाँ पे ये सारी फ्लाइटों के स्टेटस बताते हैं यहाँ पे, कब कौन सी फ्लाइट है, कितने बजे चढ़ी थी वहाँ से और कितने बजे उतरे ये, और अभी कहाँ पे है, सारा स्टेटस है यहाँ पे, ये दिखाता है। हमने गुड्डी बुआ का यहीं से देखा था, हमने कहा अभी तो उतरी भी नहीं है अपनी, तो अभी दिखा। तो भाई अब सनी जा रहा है इनके साथ, मैं अकेली। बाय बाय, अभी नहीं बाय करोगे, अभी तो वापस बाहर मिलूंगी मैं। ये देखो भाई ये जो आते हैं ना पहली बार इंडिया, इतना ही सामान लेके आते हैं ये लेके भी बंदा क्या, अभी तो लाए नहीं था मैं तो गाइस नंबर बस आने ही वाला है, वो लोग बस क्लोज है, आई थिंक उनका दूसरा या तीसरा नंबर है। माता जी इधर ही देख रही है, माता जी का जाने का मन नहीं कर रहा है मुझे लग। भाई व्यान सरावत को पता है क्या, व्यान सरावत को ये दिख गई, ये जो हमारे घर में हमेशा कलेश करवाती है ये, अब इसको फिर से हो गया। कौन सा चाहिए, ये देखो ब्राउन वाला। अभी पापा आएगा ना, पापा दिलवाएगा, ठीक है, कह रहा मुझे पापा नहीं मुझे आप दिलाओ। तो फिलहाल हमारा जो फ्रेंड साथ में जा रहा है, उनकी मम्मी भी साथ में है, तो इन सबका साथ चेक इन इसलिए करवाया ना, ताकि एक साथ सीटें मिल जाए तो इजी रहता है आपस में, भाई साथ के हैं आराम से बोलते बतलाते चले जाएंगे। तो फिलहाल बस उनका नंबर आ गया है, अब उनका चेक इन हो रहा है, अभी बस वापसी बाहर आएंगे, फिर दोबारा मिलते हैं। तो देखो यहाँ के यहाँ पे जब हम चेक इन करते हैं ना, उसमें और इंडिया में सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी लगती है, इंडिया में आपको मतलब बाहर उस गेट से अंदर नहीं जाने देते ना, उसमें सिर्फ वही अंदर जाएगा जो मतलब ट्रेवल कर रहा है, जिसकी टिकट वगैरह है। लेकिन यहाँ पे देखो फैमिली सन्नी अंदर ही है पूरा, यार माजी बुला रही है इधर को जाना है, तो अभी सनी अंदर ही है पूरा, तो यहाँ पे आराम से आप चेक इन करा सकते हैं। बाई चांस कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ ले वो, तो एटलीस्ट वो रिप्लाई कर देना। तो फिलहाल ये चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी लगती है ना। तो भाई चेक इन करवा के आ गए हैं ये लोग, ऐसे लग रहा है जैसे अभी इनको एयरपोर्ट से भी लेके आए हैं हम लोग, इधर आओ कम है। तो ये अभी मेरे पीछे आए हैं, बट ये अभी गए हैं, तो ये मेरे साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही कोई काम है, ये मेरे पीछे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग मेरे साथ कुछ खेल ले, कुछ
कुछ खेलने के लिए कुछ जा रही होगी ना, तो ये पूरी की पूरी टीम है ये एरे न्यूजीलैंड की ना, तभी काले काले पहन रखे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसी एयरलाइन में जा रही होंगे, या तो फिर स्कूल के होते हैं या फिर किसी गेम में होंगे ना सारे के सारे। तो भाई अभी चेक इन हो गया है ना, अब फिर आ जाओ फिर रह जाओगे। तब इनको ऊपर तक लगा करके आएंगे। मित्र ने अपनी मम्मी के लिए चेयर करवाई है, तो वो पीछे आ रहा है। पापा है ना खाली सा, इतना भरा सा नहीं है ना। दिल्ली का तो डोमेस्टिक भी इससे बड़ा होगा, दिल्ली का तो डोमेस्टिक वाला भी इससे बड़ा, इंटरनेशनल की तो बात ही क्या करेंगे। वहाँ तो पैर ही नहीं, वहाँ पे तो इतने लोग होते हैं, यहाँ पे तो बहुत है, छोटा सा है भाई न्यूजीलैंड, इतना बड़ा कहाँ है, पता नहीं क्या सोच रहे न्यूजीलैंड क्या है। तो चलो अब ऊपर लेके चलते हैं, कहाँ तक लेके छोड़ के आएंगे इनको पूरा दिखाते हो। और ये देखो ये हमारी आंटी जी, ये भी इंडिया की जा रही हैं दिल्ली में, अब इनको सेवा दी गई है इनके पुत्र द्वारा, ये इनका पुत्र है बोलिया साहब है ये। ब्लॉग में आई है तू मेरे, यू आर लकी वन, तू देखियो टीवी में अपने आपको यूट्यूब पे। मैं कहा तू लकी है तो मेरे ब्लॉग में आ गया, और वो ऑकलैंड एयरपोर्ट के ब्लॉग में आ गया तू मेरे साथ। तो सनी जी कैसा फील कर रहे हो? क्या हो, ठीक है जैसा। कैसा माता जी माता पिता जा रहे हैं, कैसा लग रहा आपको? तो होता ही है, इतने दिन से साथ में, और क्या। रोया नहीं है लेकिन अभी तक फील ही हो रहा है इसको। मैंने बोला कैसा फील हो रहा है, फील क्या होता ही है, मैं कह रोया नहीं लेकिन अभी तक। मैं क्यों गोली मारूं आंखों में, आंगली मारूं आंखों में, फोड़नी थोड़ी है मुझे आपकी आंखें, कह रहा आंगली मार मेरी आंखों में। जब रोगा रोने से क्या होता है ना पापा, हंसते खेलते जाओ अपना, अब यहाँ रो के जी थोड़ी करना होता है। 4 महीने पापा ने काटे हैं बढ़िया, फिर बुलाएंगे है नहीं पापा। पाप VIP हैं ये, अभी इनको NRI बनाएंगे हम जल्दी। कौन छुटिया, चल मैं भी कुछ रह गया होगा जीजी का, छोड़ आगे चलो आगे। तो गाइस देखो एक चीज, आओगे मम्मी आए थे ना वहाँ से, वहाँ वेट कर रहे थे आप लोगों का, हम देखो वहाँ पे आप लोग थे, जाने का ये आने का वो, चलो इसमें चलो भाई, चलो तुम चलो ऊपर, मैं डिनू रहेगा। तो गाइस ये यहाँ का छोटा सा कह सकते हो, लेकिन बंद हो गया है, ड्यूटी फ्री तो नहीं कहूँगी, शॉप्स हैं ऑकलैंड की, ऑकलैंड एयरपोर्ट की, ये सारी बंद हो गई है। वैसे तो एयरपोर्टों पे बंद नहीं होनी चाहिए, 24/7 होना चाहिए, बट पता नहीं बंद हो गई, खरीदता ही नहीं होगा ना कोई कुछ इन पे से, बेचारे इतना दिहाड़ी क्यों भरेंगे। तो भाई फिलहाल पीछे का क्राउड, मैं वही बोल रही हूँ, मैं कहा वैसे तो बंद नहीं होती बट बंद होगी, कोई बेचारों से कुछ लेता ही नहीं होगा क्यों, किराए भी बढ़ाए ना, तो इस टाइम बंद हो जाती है ये, अंदर वाली खुली रहेंगी। कम एंड डिस्कवर मी यो सनी, उसको आने दे यहाँ पे, एक अपनी फैमिली फोटो ले लेंगे फिर इनको बाय करेंगे। हाँ आ जाओ इधर लेंगे ना इसके आगे। तो वी कॉल इट इंटरनेशनल डिपार्चर, अब आगे इंटरनेशनल बिल्कुल डिपार्चर के बाद यहाँ से आगे अंदर। बाबे नानक दी फोटो अगे हाथ जोड़ जोड़ रही शाम ते सवेरे करदी सी जेड़िया, पुत तेरा पहुंच गया फरशां तो अरशां ते, हिसाब ते बेर दासां तेरिया। चारो तो फिलहाल भाई ये चारों प्राणी यहाँ से अंदर जाएंगे, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। यहाँ तू कहाँ चढ़ गया, अरे तू कहाँ चढ़ रहा है, देखो वो कहाँ चढ़ रहा है। चलो भाई अब बाय कहने का टाइम आया है, अब बाय बोलते हैं फैमिली को, फिर आगे निकलते हैं घर की तरफ, होगी सही। अरे भाई 2 मिनट खड़ा रहना पड़ता है ना माजी के साथ, ऐसे क्यों कर रहे हो, बस इसको तो हो रहा है कि मेरे को। अंबड़ी दे सीने लगा, दिल ता कर रहा है बथेरा, इत्थे भी रहना पैणा है पत्थर जा कर। बाय बाय माँ, बाय पापा, ओके जी बाय बाय, अच्छे से जाओ बहन जी, दादू को आगे कर दो जल्दी, अरे फिर दादू चॉकलेट दे, जल्दी कर दो जल्दी पापा कर। चलो ठीक है पापा जाओ।
कानू पानी भाई गए अंदर, जाना तो पड़ता है ना। तो भाई कभी हम भी इंडिया जाऊंगी ना मैं नेक्स्ट टाइम, एक एक दुकान का टूर देके जाऊंगी मैं आपको, एक एक दुकान। अब तो सारी बंद हो गई कुछ अभी। क्या कह रहा है? हाँ टॉयज देंगे। तो भाई हम चले गाइस, हम चले अपने घर की ओर। मी शरावत और हमारा जूनियर शरावत पीछे। तो शरावत ओके गाइस, ओके हीरो आई ओके ओके ओके। बुरा तो लगता ही है। ऑफ कोर्स भाई एक बार तो फील तो होता ही है ना, आपके पेरेंट्स भाई आपके साथ इतने टाइम से रह रहे हैं भाई, सेम फीलिंग होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप इंडिया से आते हैं तब भी ऐसी बात होती है, मन उदास होता है, जा रहे हैं, बट ये कि हंसते खेलते जाए और क्या चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, आए थे फिर आ जाएंगे अपने पास, नहीं तो हम जाएंगे अब इंडिया। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, फैमिली को ड्रॉप कर दिया है, सेफ हैव अ सेफ फ्लाइट मम्मी पापा। अच्छा, फिर मिलते हैं उनसे, तब तक के लिए बाय कर दो सनी जी। चलो भी बाय बाय सबको, बाय बाय सब। तो गुड नाइट, मिलते हैं जल्दी से नई किसी ब्लॉग में नई किसी जगह के साथ।